हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल। दिस इज सपना चौधरी। तो आज मेरे मायके में है सेकंड डे और आज हम बना रहे हैं चूल्हे पर रोटी। भाभी बना रही थी तो आज मैं भी बनाऊंगी। और आरू गई अभी खेलने के लिए, उधर गई भैंसों से खेलने के लिए। उसको इतना शौक चढ़ा हुआ है भैंसों के साथ खेलने का, ऐसे गाँव में खेल रही थी वहाँ पे हमारी ससुराल में। और अंशु, आई मिस यू सो मच। आज मैं चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ, किस किस को खानी है। गला मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, ये दुख रही है। पहले मैं जब गांव आई थी ना बबूल के नगरा ससुराल में, मेरी तब भी ये हो गई थी, फिर सही हुई 2-3 दिन, क्योंकि पानी चेंज होता है उसकी वजह से हो जाती है। और फिर यहाँ पे हो गई, बहुत भयंकर वाली, सही हो जाएगा 1-2 दिन में। भाई चार चार बच्चे हो गए, दो मेरे दो भैया के। तुझे हालत कर रखी है, उनकी रील पूरा सिलाई का जो भी सामान है पूरा फेंक डाला। आज मैं भी कुछ बनाऊंगी, सिलूंगी कुछ ना कुछ। कटिंग ना कर अंदर में पूरा दिन है, वो जो समय 4 घंटे आज मम्मी ने राजस्थानी वाला भेज बना रखा है। दुपट्टा ना मिले और आज भी कुछ आ रही आरोही मम्मी आरोही ऊँचा लग गया है। और चूल्हे पे अभी मैं जलाऊंगी, वैसे जल रहा था इस पे क्योंकि दूध वगैरह सब्जी वगैरह आज इसी पे बनाई थी। कांटे ना लग जाए। मैं बनाऊंगी, मुंह से ही फूंक दे दो। आरू की तरह पहले भर, आरू ऐसे करते कांटे ना लग जाए। जो पहले तोड़ के लाए फिर जला रहे। मम्मी ये आप लेके आई थी लकड़ी? मेरी मम्मी बहुत मेहनती है। धुआं लग रहा है, लग रहा है। चलो तो लकड़ी काट में चलना है। ये मैंने इसको एक बार चांटा लगाया था, कम से कम 2 दिन बुखार रहा था इसको, है ना? स्लैब डे मम्मी, स्लैब डे। जब गुस्सा मतलब बहुत मस्ती करते थे हम, गेट वेट तोड़ देते कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा शरारती। और रॉकी भैया ने पता है, ये जो घर है ना हमारा, ये पहले मतलब वो था कच्चा वाला जो घर रहते हैं ना, वो था उस टाइप का, लकड़ियों का वैसा था, चलता था वो, है ना? तो शक्तिमान चलता था, जिसने देखा हो वो बताना। तो रॉकी भाई शक्तिमान बन के छत पे चढ़ गया है ना, वो ऊपर से कूद गया छत पे से नीचे, हाँ गोल गोल घूम के शक्तिमान शक्तिमान करके नीचे कूद गया। शादी थी, मम्मी बेहोश हो गई कि मेरा मोड़ा तो भैया टूट फूट गया। चाचा की सगाई थी, लगोनाई थी, तो मम्मी बोलती मेरा छुरा तो टूट गया बिल्कुल भाई। अब मम्मी देखे कि कहाँ गया मोड़ा, कहाँ गया मोड़ा। और मोड़ा तो डर के मारे बाहर निकल गया, वो आए नहीं बिल्कुल। भैया को डर ये था कि मैं बहुत पिटूंगा, शक्तिमान तो बन गया। तो खड़ा ही चले, वो जाने को ले के हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल ले गए। मम्मी घायल, अम्मा घायल, हाय मेरा मोड़ा, हाय मेरा मोड़ा। मोड़ा आराम से खेल रहा था। और एक कांड मैंने किया था बचपन में यहीं पे, देखो जो सामने वाला घर है, एक मेरी दोस्त थी यहाँ पे रहती थी, शादी हो गई उसकी, मिलेगी कभी भी, है ना? अंगूठा दिखाऊंगी मैं, ये वाला अंगूठा हम खेत में, वो सॉरी ये स्कूल है सामने दिखाऊंगी। तो वो जो सरकारी स्कूल में हेडपंप नहीं रहते वो, तो हम क्या करते, पॉलिथिन बीन थे काम ऐसे ही थे, बिल्कुल विशुद्ध नल्ले वाले, है ना? तो पॉलिथिन बीन ही वो जो होती है ना सुपार बांध के, तो नल में भरी और ऐसे कूट कूट के नल के अंदर वो करते थे। तो उसका अंगूठा ऐसे रखा हत्ते के नीचे, तो उसका अंगूठा बिल्कुल बिल्कुल दुचल गया, मतलब बंदी हो गया बिल्कुल। और इतने खून निकले, मैं डर के मारे शाम तक गायब। ओ वाओ, तो ये थाली भी लग गई, पहले मैं रोटी बनाऊंगी। ये बनाई है दाल, क्योंकि दाल का मेरा बहुत मन कर रहा था, तो भाभी ने दाल बनाई है उड़द की। अच्छा इसमें घी, हाँ मैं नहीं बताऊँ। भाभी कह रही मुझे छोड़ के कहीं जाना नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा। तो भैया बोलता है हाउ तो मूड पर धर के डोलेंगे। मतलब होती रहती है, जैसे मेरे में और राजवीर जी में होती रहती है, ऐसे सब में होती रहती है।
है ना भाभी। चलो तो पहले आप एक शुरुआत कर दो, आँच वाँच जला दो, फिर मैं बनाऊंगी। घी से कौन बनाता है? मैं। घी से रोटी? गैस पे अच्छी है। हाँ, गैस पे पानी की चुपक जाती है ना ज्यादा। हाँ, और दे आलू दे आ रही दो सहेली। तो पहले गैया के लिए बना लेते हैं एक छोटी सी रोटी। छोटी उठ गई क्या? छोटी हो गई क्या? छोटी अब मोटी बनाओ। तो अब नीतू वाला साइज ले ले। चाची राम राम राम। उधर से नहीं सीखते, उधर से भाभी सीखेंगे। ये क्या है? शाम को अप्पे बनाएंगे, ठीक है? हाँ, ये क्या है? ये गांव में इसे बोलते हैं रोटी सेकना। हट, नहीं कुछ और बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं है। चाची याद क्या बोले? काम तो पत्री तो सबाजी है। परफेक्ट गोल है। मेरी बच्ची हो गई। ला 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 ला। नहीं नहीं। झगड़ा हो रहा है दोनों में बच्ची के लिए। आज सो गई थी। भाभी हटो कि एक रोटी बनाओ। मैं चुप कर। गोलो अपन नहीं बना रहे, अपन अपने बाबू को देखेंगे पहले। गोलो डिस्टर्ब हो गई, नींद से उठ गई एकदम, तब रो रही है। सिक गई भाभी मेरी रोटी। यार मेरी बच्ची रो गई थी एकदम, मस्त बनी है। ठीक है, भाभी ने मेरे लिए प्लेट भी लगा दी, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाएगी तो फिर उसको देखना है। अच्छी सी की है, चलो मस्त बनी, बढ़िया सही है। तो अपन यहीं पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि चूल्हे के पास बैठने का जो खाने का मजा है सच में, यहीं पे बैठेंगे अपन। तो अपन यहाँ थाली लग गई, भाभी रोटी देंगी अभी। पता है आपके लिए इतने कमेंट आते हैं कि आपकी मम्मी मम्मी जैसी नहीं लगती, बहुत यंग है, अच्छी है, सुंदर है। मम्मी ने क्या है रेस करना बंद कर दिया, नहीं पहले जाती थी। झूठ बोल रहे हैं, कहूँ ना जाती है मम्मी। हमारी मम्मी को काम से फुर्सत ना मिले, दिन भर काम करती है, दिन भर काम, 11 बजे तक काम। हाँ, सुबह 4 बजे हम तब जाते थे, मैं छोटी थी मेरे टाइम पे, है ना। उसके बाद मम्मी कह रही है तू अपनी जिंदगी की कुछ चीजें नहीं बताती। मम्मी बड़े दुखड़े रोती रहती है, हम दोनों बहन भाई परेशान है। मम्मी कहेंगे तुमने जी नहीं करो, तुमने वो नहीं करो, तुमने, क्योंकि मम्मी बस जिंदगी है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई, ये साली यही रहेगी। हमारे घर में एक आदत है कि जैसे किसी फील्ड में जाना है, पापा को क्या दो चार लोग जैसे गांव में होते हैं कि अपने छोरा को तुम ये होटल मैनेजमेंट का होता है ऐसे नहीं जानते, तो वो बोलते हैं का होता है ऐसे कर, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करवा, सेवा छुड़वा। पापा बोलते हैं चल ऐसे कर तू वहां से आ, अब तू दौड़ करने जा। बड़ा ऐसे ही लटका रखा है। वैसे अभी ये गोवा गया था तो अभी फिर आ गया, अच्छी मिल गई, अब तो बढ़िया हो गया, इसका सेट हो गया। पर हम जो बचपन की बातें बता रहे हैं, जो 12th के बाद होता है ना, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तब भैया को बहुत घुमाया फिराया। अब भैया HM कर रहा है, वो गोवा रहता है,